हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने इस पॉजिटिव परिवार में। कैसे हो आप सब? नई रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है नई जगह से, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से आई हुई वैकेंसी की डिटेल आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। डिफरेंट लोकेशन से ये वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी में सैलरी आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। फ्रेशर कैंडिडेट भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल वीडियो में कवर करते हैं। वेरियस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है। साइकोलॉजी की टोटल दो वैकेंसी आई है। तो फर्स्ट पोस्ट कौन सी है? कंसल्टेंट साइंटिफिक टेक्निकल मेडिकल एंड नॉन मेडिकल की वैकेंसी है फ्रेंड। इस वैकेंसी के लिए आपके पास मेडिकल डिग्री होनी चाहिए फ्रेंड, और इसमें सैलरी आपको 1 लाख पर मंथ की आपको सैलरी मिलने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी नॉन मेडिकल। इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट क्लास में स्टैटिस्टिक या फिर बायो स्टैटिस्टिक में। और इस वैकेंसी में आपको सैलरी 48,000 पर मंथ की मिलने वाली है। अभी नेक्स्ट वैकेंसी की डिटेल देखते हैं। तो नेम ऑफ द पोस्ट कौन सा है? प्रोजेक्ट रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है फ्रेंड ये। और नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? 10 वैकेंसी है। 4 अनरिजर्व के लिए, 3 OBC के लिए, SC के लिए 2 है और EWS के लिए 1 वैकेंसी। इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, कौन से सब्जेक्ट में? सोशियोलॉजी में, सोशल वर्क, सोशल साइंस, लाइफ साइंस। तो सोशल साइंस में साइकोलॉजी सब्जेक्ट आता है। साइकोलॉजी के साथ काफी सारे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट सोशल साइंस में आते हैं फ्रेंड। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है ना, तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट है इन सब्जेक्ट में, तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। फ्रेशर भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अभी बात करते हैं डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में क्या बताया है? एक्सपीरियंस इन वर्किंग कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट, और आपकी फ्लुएंसी मतलब कम्युनिकेशन स्किल, आपकी हिंदी और तेलुगु, आपको ये लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। ये सब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है फ्रेंड। अगर आपके पास होगा तो ये प्लस पॉइंट माना जाएगा। सैलरी की बात करें तो फ्रेंड सैलरी आपको यहाँ पे 31,000 पर मंथ इतनी मिलने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो अगर आप अनरिजर्व या फिर EWS कैटेगरी के हो, तो आपकी एज 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। OBC कैंडिडेट के लिए 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और SC कैंडिडेट के लिए 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेचर ऑफ ड्यूटी में क्या क्या काम रहेगा आपको? तो बताया कि डेटा कलेक्शन फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कोऑर्डिनेटिंग मीटिंग, ट्रैवल टू अदर स्टेट फॉर डेटा कलेक्शन, एनी अदर वर्क असाइंड बाय सुपरवाइज ऑफिसर, ये सब काम आपको इस वैकेंसी के अंडर रहने वाला है। और इस वैकेंसी का ड्यूरेशन कितना रहेगा फ्रेंड? 9 मंथ के लिए आपका ये ड्यूरेशन रहने वाला है यहाँ पे। नेक्स्ट वैकेंसी है प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की। यहाँ पे आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और BSc आपका कंप्लीट होना चाहिए यहाँ पे, बैचलर डिग्री। इस वैकेंसी में आपको सैलरी 17,000 पर मंथ इतनी मिलने वाली है। अभी नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं। कंसल्टेंट साइंटिफिक टेक्निकल मेडिकल की वैकेंसी है। मेडिकल फील्ड में आपके पास डिग्री होनी चाहिए और सैलरी आपको यहाँ पे 1 लाख पर मंथ इतनी मिलने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी है प्रोजेक्ट रिसर्च असिस्टेंट की, और यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी है? 30 वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 12 है, EWS के लिए 3 है, OBC के लिए 8 है, SC के लिए 5 है, ST के लिए 2। और फ्रेंड डिफरेंट लोकेशन से ये वैकेंसी है। यहाँ पे देखो उत्तराखंड, यहाँ पे कौन कौन सिटी आती है यहाँ पे मेंशन है, तेलंगाना के लिए, तमिलनाडु के लिए, मेघालय के लिए, राजस्थान, ओडिशा, गुजरात, दिल्ली, बिहार के लिए सारी वैकेंसी आई है फ्रेंड। इन सारे स्टेट के लिए वैकेंसी है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में वही बताया फ्रेंड, ग्रेजुएशन होना चाहिए सोशियोलॉजी में, सोशल वर्क, सोशल साइंस, स्टैटिस्टिक, बायो स्टैटिस्टिक, लाइफ साइंस। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आपको पास 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपका मास्टर डिग्री भी कंप्लीट हुआ है तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। फ्रेशर भी हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या बताया है कि अगर आपको रिटर्न टेस्ट, ऑनलाइन इंटरव्यू, ये कब होगा ये आपको बताया जाएगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको ईमेल के द्वारा या फिर फोन के माध्यम से आपको ये बताया जाएगा। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बताया कि एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट, शुड विलिंग टू रिसाइड द स्टडी डिस्ट्रिक्ट प्रिपेरेडली फ्रॉम स्टडी TB प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट, शुड बी प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज। ये सब फ्रेंड डिजायरेबल में है। अगर आपके पास नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर होगा तो ये एक्स्ट्रा प्रिफरेंस मिलेंगे आपको। सैलरी की बात करें तो फ्रेंड यहाँ पे सैलरी आपको 31,000 पर मंथ इतनी मिलने वाली है। एज लिमिट आपकी 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो, और EWS के लिए भी 30 ईयर है, 33 ईयर OBC कैंडिडेट के लिए, और 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए SC ST कैंडिडेट के लिए। नेचर ऑफ ड्यूटी में बताया कि स्ट्रीमिंग द ऑनलाइन डेटा कैप्चर ACF रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन द डिस्ट्रिक्ट, कोऑर्डिनेटिंग मीटिंग एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग, कंप्लीटिंग अदर प्रोजेक्ट रिलेटेड
वर्क इन डिस्ट्रिक्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ कंसल्टेंट बेस्ड एट ICMR NIE। ये सब का आपको इस वैकेंसी के अंडर रहने वाले हैं। इस वैकेंसी का ड्यूरेशन कितना है फ्रेंड? 10 मंथ का है और ये आगे एक्सटेंड किया जा सकता है 3 मंथ के लिए। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो एक्सटेंड किया जाएगा। पर फ्रेंड यहाँ पे अभी हमने 2 वैकेंसी साइकोलॉजी की देखी, जिसमें सोशल साइंस, लाइफ साइंस और काफ़ी सारी वैकेंसी है। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अभी अप्लाई एग्जैक्टली कैसे करना है अभी हम डिस्कस करेंगे। अप्लाई करने के लिए फ्रेंड आपको क्या करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, इसकी प्रिंट निकालना है और क्या बताए आपके पास जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो जो डॉक्यूमेंट है ना वो आपको स्कैन करना है। स्कैन करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ PDF बना के, यहाँ पे ईमेल आईडी दी है, इस ईमेल आईडी पे सेंड कर देना है। कब तक सेंड करना है? 16 सितंबर 2020 को सेंड करना है, 5 बजे से पहले आपको यहाँ पे सेंड कर देना है। इंटरव्यू फ्रेंड आपका ऑनलाइन होने वाला है, तो ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं। द एप्लीकेशन शुड एज पर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, तो फ्रेंड वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको वहाँ पे दिया है वो आपको फिल करना है और यहाँ पे सेंड कर देना है। और क्या बताया है वही यहाँ पे बताया कि सारे एप्लीकेशन फॉर्म वो आपको इस ईमेल आईडी पे अटैच करके सेंड कर देना है। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट तो आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको सेंड करना पड़ेगा इंटरव्यू के टाइम। TADA विल नॉट बी पेड बाय NIE फॉर अटेंडिंग रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू, तो फ्रेंड आपको यहाँ पे TADA प्रोवाइड नहीं किया जाएगा रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के टाइम। कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक ICMR NIE वेबसाइट रेगुलरली फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन चेंज विच कैन बी अपडेट फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो फ्रेंड आपको रेगुलरली ये वेबसाइट चेक करते रहना है तो आपको वहाँ से पता चलेगा आपका इंटरव्यू कब होगा, कैसे होगा। ईमेल के माध्यम से तो वो बताएंगे लेकिन आप रेगुलरली चेक करते रहिए। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विदाउट रिलेवेंट इनक्लोजर विल आउट राइटली रिजेक्टेड, तो फ्रेंड अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट रहता है, जो जो उन्होंने डॉक्यूमेंट बताए अगर वो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट नहीं किए है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो ना तो सेम ही ईमेल आईडी है, अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए कर रहे हो तो वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। मल्टीपल पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड। बाकी PDF की लिंक और एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से फॉर्म फिल कर देना। बस फ्रेंड इतना ही था आज के वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।